आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। 16 जिले 59 सीटें लगातार 7 बजे से मतदान जारी है और करीब करीब 40% मतदान इन 16 जिलों में अब तक हो चुका है। तो ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की जो चुनावी कवरेज है वो लगातार जारी है। सुबह से ही हर एक सीट पर पैनी नजर हम बनाए हुए हैं, एक एक तस्वीर पर हमारी नजर है। हमारे सहयोगी अलग अलग बूथों पर जाकर किस तरह की वहां तस्वीरें हैं, किस तरह की हलचल है, किन किन मुद्दों को लेकर आम जनता वहां पहुंच रही है मतदान करने के लिए, ये हम आपको बता रहे हैं। और इसी कड़ी में ललितपुर हाथरस का अब हम रुख करेंगे, जहां से रुपेश जैन और दीपेश मेरे साथ जुड़ेंगे। वो हमें बताएंगे कि अब तक किस तरह की तस्वीरें वहां देखने के लिए मिली है, क्योंकि बहुत सारी जगह से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ईवीएम मशीन खराब है। कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग वोट का यहां पर बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ जगहों पर ईवीएम पूरी तरह से खराब हो गया है। तो ये बहुत सारी खबरें हैं और क्या ये सही है, कितनी गलत है, ये हम अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सबसे पहले रुपेश जैन का मैं रुख करूंगी ललितपुर से, क्योंकि ललितपुर से खबर सामने आई थी कि 12 बजे तक वहां पर एक भी वोट नहीं पड़ा था 5 गांव में। रुपेश जी, जी देखिए काजी, मैं आपको बता दूं कि जो है जनपद ललितपुर बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा, यहां पर जैसे 236 सदर विधानसभा है और 227 महरौनी विधानसभा, तो ऐसे में जैसे हम आपको बता दें कि जो महरौनी विधानसभा है तो वहां पर एक गांव पड़ता है लखनजर। लखनजर गांव में ना तो आने जाने का कोई व्यवस्था है, ना वहां पर सड़क मार्ग है और ना ही जो है अन्य व्यवस्थाएं हैं, जिसके चलते वहां के जो ग्रामीण है उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है। सो वैसे ही आप देख रहे होंगे कि जो है कई जगह से जो है ईवीएम मशीन की खराबी की जो है कई जो है ऐसी शिकायतें हुई हैं। अभी हाल ही में तेरही फाटक एक गांव पड़ता है, वहां से तुरंत ही खबर आई कि ईवीएम मशीन है, जिसके चलते चुनाव बाधित हुआ है। जी काजल, बिल्कुल रुपेश, और अब काफी समय हो चुका है, 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है, ऐसे में कैसी तस्वीर आप दिखाइए हमें। रुपेश आवाज नहीं आ रही है कि मेरी, रुपेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, हाथरस से दीपेश का मैं रुख करूंगी। दीपेश, हाथरस 2020 में हाथरस सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश भर में काफी ज्यादा चर्चित हुआ और तस्वीरें ये भी सामने आई कि आज कड़ी सुरक्षा के बीच जो पीड़ित परिवार था वो वोट डालने के लिए पहुंचा है और पीड़ित परिवार ये भी कह रहा है कि हमने महिलाओं की बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर वोट डाला है, क्या समझे हम इसे। जी बिल्कुल काजल, मैं बता दूं जो पीड़ित परिवार, जो पीड़िता का भाई है संदीप, उसने साफ तौर से बताया है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपना मत डाला है और वही सरकार हमें चाहिए जो महिलाओं को सब समाज के साथ में चलेगी। जी काजल, तो हाथरस में कैसी तस्वीर है, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है और क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं यहाँ पर। जी काजल, मैं बता दूं कि 1 बजे तक जो मतदान हुआ था वो 31.2% हो चुका था, लेकिन अभी जो हाथरस के अगर मुद्दों की बात करेंगे ना तो केवल विकास का मुद्दा रह जाता है। 80 विधानसभा की बात करें, शाहजहाबाद विधानसभा की बात करें, तो लगातार मुद्दे वही है कि विकास कार्य और सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए बताया जाता है काजल। चलिए ठीक है, एटा से आसिफ भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, अगर एटा की हम बात करें तो ये जिला ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत देखने के लिए मिल रही है, यानी ये समझे कि यहाँ का मतदाता उत्सुक है, जागरूक है। आसिफ, क्या आवाज आ रही है मेरी? तो आसिफ तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो यूपी का आज तीसरा चरण बेहद ही अहम, क्योंकि जैसे जाट लैंड है तो वैसे ये यादव लैंड भी है जो तीसरा चरण है। ऐसे में बड़े बड़े दिग्गज ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, एसपी बघेल हो, ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं, चाहे वो लुईस खुर्शीद हो, सुनील द्विवेदी हो, ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। 627 प्रत्याशी जिनकी किस्मत, जिनके भाग्य का फैसला आज हो रहा है, शाम 6 बजे तक ये फैसला हो चुका होगा, उसके बाद क्या गुणा गणित रहेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं,
बड़े बड़े चेहरे जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां पर कुछ प्रत्याशी पहुंचे और कुछ बड़े चेहरे पहुंचे, उनकी नोकझोंक जो है वहां के कर्मियों से हुई है। और इसके अलावा जो यादव परिवार है वो भी सैफई पहुंचा, उन्होंने अपना मतदान किया, उसके बाद अपनी जीत का दम भरा है। साफ तौर पर कहा कि सपा जीत रही है, सपा की आंधी इस बार 2022 में देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा बीजेपी कह रही है कि सपा सिर्फ हवा हवाई बातें कर रही है, जीत बीजेपी की होगी। 300 पार का नारा जो हम शुरुआत में सुन रहे थे वो अब कहीं ना कहीं धुंधला हो रहा है, लेकिन जीत का दम तो अभी भी बीजेपी भरती हुई नजर आ रही है। तो हर एक तस्वीर पर हमारी नजर बनी हुई है अलग अलग जगह से, चाहे वो हाथरस हो, ललितपुर हो, एटा हो, मैनपुरी हो, वहां से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या आसिफ मेरे साथ जुड़ गए हैं एटा से? जी आसिफ, एटा में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत दिखाई दे रहा है, क्या वहां का मतदाता जागरूक है या उत्साहित ज्यादा है? जी कहीं ना कहीं देखा जाए विकास को लेकर मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर रहा है लगातार। सबसे ज्यादा एटा के अंदर 49% मतदान हो चुका है। ठीक है आसिफ, फिरोजाबाद से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, पहले हम वो दिखाएंगे। ये तस्वीरें बहुत अहम है, ये देखिए आप, जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है वो कहीं ना कहीं उनकी जो एक मानवता की मिसाल है वो उन्होंने पेश किया। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला जो कि चलकर वोट डालने के लिए नहीं जा सकती थी, तो उन्हें चारपाई पर ले जाया गया है और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, और उनके परिवार के भी कुछ लोग इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोकतंत्र के पर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा है। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, हर कोई निकल रहा है घरों से, और जो असमर्थ निकलने में उनका यहाँ पर जो सहारा है वो सुरक्षा कर्मी बनाइए, महिला पुलिसकर्मी। देखिए आप, हाथ पकड़कर बुजुर्ग महिला का मतदान केंद्र पर ले जाती हुई, क्योंकि एक एक वोट बेहद जरूरी है। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें फिरोजाबाद से सामने आ रही है। वाकई इस तस्वीर को जितना खूबसूरत कहा जाए उतना कम होगा, क्योंकि बहुत ही कम तस्वीरें ऐसी देखने के लिए मिलती हैं। तो अलग अलग जगह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो असमर्थ हैं पोलिंग बूथ पर जाने में, उनको खुद यहाँ पर पुलिसकर्मी और जो सुरक्षा कर्मी है वो मतदान केंद्रों तक पहुंचा रहे हैं ताकि अपने मत का इस्तेमाल वो कर सके। एटा से आसिफ लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एटा में कैसी तस्वीर है आसिफ, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत जो है यहीं पर देखने के लिए मिल रहा है? जी जी मैम, बता दूं लगातार सुबह 7 बजे से मतदान अपने प्रयोग कर रहा है मत का। देखना यह है कि इस बार किसका नसीब ईवीएम में कैद करता है विकास को लेके। कुछ भी लोग वोटर मेरे साथ जुड़े हुए हैं रब्ता करने के लिए, मैं उनको बुलाना चाहूंगा जी। और बात करूंगा किस चर्चा पर इस बार अपना मत दे रहे हैं। सर, सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? एसएस मिश्रा, एक्स प्रिंसिपल। आज आप मत देकर आए, किस उम्मीद पर? हम इस उम्मीद पर मत देकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उत्तर प्रदेश में हमें सुरक्षा मिलेगी। आसिफ ठीक है, आप पूछिए। जी क्या लगता है इस बार किस उम्मीद, किस वादे, किसके वादे पर आप अपना मत का प्रयोग किया? यहाँ के विकास के लिए कुल मिलाकर के यहाँ के सभी नागरिकों का विकास हो, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। इतना बड़ा प्रदेश है तो हम लोग भी हरियाणा और राजस्थान की तरह मत किया जी। एनी क्वेश्चन? आसिफ उनकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आप अपनी ऑडियो को ठीक कर लीजिए, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। दीपेश के पास मैं जाऊंगी, हाथरस से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दीपेश, हाथरस में फिलहाल तस्वीर कैसी है, क्योंकि अब काफी समय हो चुका है, 3 बज चुके हैं, बहुत ही कम समय बचा है,
जो उत्साह हम सुबह देख रहे थे, क्या वही उत्साह बरकरार है या कुछ कमी देखने के लिए मिली है? जी काजल, अगर मैं उत्साह की बात करूं तो अभी तक सुबह से लगातार वोटर्स जो है अपना मत डालने के लिए में आ रहे हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। अब मैं हाथरस के बागला इंटर कॉलेज में हूँ, जहाँ हाथरस की विधानसभा है, ये यहाँ सबसे बड़ा अगर माना जाए तो पोलिंग बूथ भी होता है या बहुत सारे बूथ बने हुए हैं। आप मेरे पीछे अगर देखेंगी तो लगातार पुलिस कर्मी और ये सारी चीज आपको दिखाई देगी। उसी के चलते हुए लोग आ रहे हैं और अपने मत का अच्छे से प्रयोग कर यहाँ वोट डालने के लिए। पोलिंग बूथ पर भीड़ उतनी नहीं दिखाई दे रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल काजल, मैं बता दूं भीड़ अब ऐसा हो गया है कि जैसे जैसे समय ढलता जा रहा है उसी हिसाब से अब लोगों का कम आना हो गया। अगर देखा जाए तो शाम को 4 बजे के बाद अगर मतदाता निकलता है घर से तो भीड़ देखने को मिलेगी। दीपेश, कांटे की टक्कर किस किस के बीच? जी अगर हाथरस की बात करूं मैं तो हाथरस में अंजला माहौर जो भाजपा से प्रत्याशी है और दूसरी बसपा से जो प्रत्याशी संजीव कुमार चाचा के बीच में है, और वहीं अगर सादाबाद विधानसभा की बात करूं तो सादाबाद में भाजपा से जो रामवीर उपाध्याय और बुद्धी चौधरी जो लोकदल थे उनके बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बिल्कुल, और आपने अभी अंजुला का जिक्र किया और ब्रजमोहन जो है वो बीजेपी से यहाँ प्रत्याशी बने हुए हैं, क्या इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है या फिर बसपा यहाँ सामने आती है? जी मैं बता दूं काजल, अंजुला महोत की जो सीधी सीधी टक्कर अगर देखी जा रही है तो वो केवल जो है बसपा से देखी जा रही है, जो संजीव कुमार काका हाथरस से प्रत्याशी है उनसे देखी जा रही है, क्योंकि ब्रजमोहन राही जो सपा से खड़े हुए हैं उनका यहाँ इतना कुछ दिखाई नहीं देता है कि उनका कोई भी कहीं अगर किसी से टक्कर मानी जाए। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, क्या हाथरस कांड इसके पीछे वजह हो सकती है कि बीएसपी और यहाँ पर अंजुला के बीच कांटे की टक्कर है? हाँ जी, अगर देखा जाए तो क्योंकि आपको बता दूं कि जो निर्भया कांड में वकील थी सीमा कुशवाहा और वो पीड़िता का केस भी लड़ रही है, उसके चलते उन्होंने बसपा को ज्वाइन किया, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रभाव बसपा की तरफ अगर मुड़ जाए तो, क्योंकि उन्होंने लगातार प्रचार भी किया है बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में। बीजेपी पर जनता कितना विश्वास जता पा रही है, क्योंकि 2020 में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमने देखा कि जातिवाद जो है काफी ज्यादा हाथरस में फैला। नहीं, अगर जातिवाद की बात करें तो बीजेपी का एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास लेकर लोग अपना उनका जनता के बीच में वो जा रहे हैं, तो उनका जो कहना है जिन लोगों से हमारी बातें हुई है उनका साफ तौर से कहना है कि हमें सब समाज का बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। चलिए ठीक है, आसिफ का एक बार फिर से मैं रुक करूंगी। आसिफ, आप लोगों से वहां लगातार बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, दीपेश बोलिए, बाद में आपके पास आऊंगी। दीपेश कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ हमारे पास वोटर्स हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने किस मत को लेकर वो अपना वोट डाला है, क्या उनके वोट का महत्व होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। तो आप अपना मत डालने आए, क्या कुछ देख अपने मन में था आज वोट डालने के प्रति? आज बहुत दिन बाद नंबर आया हमारा, 5 साल पीछे नंबर आया, जब आए वोट डाले। तो अब क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? अपना वोट आपने डाला, मैं बढ़िया आदमी सरकार बनेगी, बढ़िया ही बनाओ। एक और सहयोगी है इनके साथ में, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर उसके मन में आप उनका जो वोट डाला है क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका? आप अभी वोट डाले आए हैं, क्या कुछ कहना है, आपने अपना मत डाला है, क्या सोच कर आप आए थे, क्या कुछ आप कुछ आपके बारे में? सरकार के बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, शासन व्यवस्था मिल रही है हमको, डिपेंड नहीं मिल रही। जैसा भी ये लोग जो आए हैं, दोनों का कहना है कि हमें सरकार की तरफ से राशन पेंशन और तमाम सारी सुविधाएं मिल रही है, उसी को देखते हुए अच्छी सरकार चुनने के लिए उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया था। जो दीपेश, कोरोना काल का कितना असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब कोरोना आया और फिर लॉकडाउन जैसी स्थितियां जो है वो लोगों ने देखी है, ऐसे में विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार को घेर रहा था कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन बाकी विपक्षी दल जो है अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहतर नहीं थी, तमाम मुद्दे उठे, क्या इसका असर वोटिंग में दिखाई दे रहा है? जी काजल, मैं बता दूं इसका बिल्कुल भी अगर मैं कहूं हाथरस में तो बिल्कुल भी देखने को मेरे हाथरस चालू रूप से सारी व्यवस्थाएं चालू है, और यहाँ इस जो कोविड आया कोरोना का कोई भी असर नहीं देखने को मिला है। ठीक है दीपेश, आप बने रहिए मेरे साथ, आसिफ का मैं रुक करूंगी। आसिफ, एटा में
क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा है, लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या वो भीड़ जो सुबह आप दिखा रहे थे वो बरकरार है या दिन ढलते ढलते जो लोग हैं वो कम हो रहे हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए जिसको मत का प्रयोग करना था अब तक कीमती वो अपना दे चुके हैं, अब जो जनसैलाब जो आना था वो कम हो चुका है, थम रहा है। अब देखना ये है कि टाइमिंग को देखकर क्या जो अब मत डालने वाले बच्चे हैं वापस कुछ बीते टाइम बाद आएंगे क्या? आसिफ, क्या लग रहा है कितने प्रतिशत वोटिंग शाम 6 बजे तक हो सकती है, क्योंकि सुबह से आप बने हुए, अंदाजा लग सकता है, तस्वीर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है? माना जाएगी, आंकड़े बता सकते हैं लगभग 60 या 65 तक तो तकरीबन मतदान हो सकता है जनपद एटा के लिए। 60-65% मतदान जो है अगर यहाँ होता है, भाजपा लगातार कहती है कि अगर वोटिंग प्रतिशत अच्छा है तो भाजपा जीत रही है। आसिफ, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूं कि आपने कहा कि 60% तक मतदान जो है शाम 6 बजे तक हो सकता है, अंदाजा ही लगाया जा सकता है किस स्पीड से यहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी कहती है कि 12 बजे तक देखा जाए बढ़ा तो फिर भाजपा को इससे कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आपस में टकरार है तो कहीं ना कहीं जो बसपा के कैंडिडेट हैं अजय यादव, तो कहीं ना कहीं वो भी समाजवादी पार्टी से थे किसी वक्त में, और जिस टाइम उनको टिकट ना देने से वो नाराज होकर उन्होंने मायावती का दामन थामा था, तो कहीं ना कहीं वोट कटिंग भी हो सकती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी का लगभग फायदा होना तय है। देखिए 2012 में अगर इन सीटों की मैं बात करूं जो 69 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, 2012 में अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत जो है वो सपा के खाते में आया था, लेकिन 2017 में एकदम से समीकरण पूरा बदला और सपा बहुत पीछे रह गई। इस बार आंधी किस ओर चल रही है, क्योंकि आप लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता से हर मुद्दों पर चर्चा करते हैं, कुछ वोटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस विकास या किस मुद्दे और किस प्राथमिकता को लेकर आज उन्होंने मत दिया हुआ है। मैम, आपका वोट हुआ जी, मेरे साथ मत देने के बाद एक सहयोगी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, क्या नाम है? आपने वोट किस प्राथमिकता को देकर या किस मुद्दे को लेकर दिया? तो कोई नहीं है मेरे पास, तो न सरकार मेरे लिए कुछ कर रही है, कोई भी आ जाएगा हमें कोई फर्क। इतनी नाराजगी क्यों है? इतनी नाराजगी आखिर क्यों है? जरा से पूछिए। अरे नौकरियां दे नहीं रही है बच्चों को, है घर घर आके सर्वे तो ये कराती है कि इसको कोरोना किसको कोरोना, टीका लगा कि नहीं लगा, ठीक है ये आके पूछा उसके दाल रोटी कैसे चल रही है। और इनसे बात कीजिए, हर मुद्दे पर बात कीजिए, क्योंकि वो बेहद नाराज है, ये कह रही है कि मेरे लिए कुछ नहीं किया है। जी 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 जी, ठीक है ना, मैं तो ये है कि वोट देना है, मैं अधिकार मिला हुआ है तो मैं अपना काम कर रही हूँ, सरकार क्या करना है वो अपना काम कर रही है। तो आपकी नाराजगी सिर्फ एक ही सरकार से या कोई भी सरकार आ जाती है? कोई भी आ जाए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, जनरल वालों के लिए, समझे आप, जनरल वाला तो पिस जाता है, जातवाद होता रहता है, मोदी भी आए 10 सालों से। तो इस बार क्या जातिवादी वोट हो रहा है क्या? नहीं, जातिवाद हमें क्या लेना देना है, मोदी है 10 साल से, मोदी ने भी क्या करा है, राम मंदिर तो बनवा दिया है, करोड़ों रुपया उन्हें खर्च करा, आप बताइए हैं, घर घर जाके देखा किसी को नौकरी मिली है, लड़के बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, बच्चों के पास कुछ नहीं होगा तो बच्चा तो टेंशन में होगा, है क्या कर रहे हैं बच्चे, सुसाइड कर रहे हैं, कहाँ से खर्चा चलेगा बताइए। अच्छा, महिला सुरक्षा पर पूछ लीजिए, बच्चों पर बता दिया उन्होंने। अच्छा, और महिला सुरक्षा को लेकर क्या है? पर भी जरा इनकी राय जान लीजिए। महिला सुरक्षा भी ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है। तो जो वादा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर वो क्या? देखिए बेटियों को क्यों कर रहा, बच्चे तो सब समान है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अधिकार तो सबको मिलना चाहिए ना। आप बताइए, आपकी बहन हो बहन को दिया जाए, आपको दर्जा दिया दिया, माँ बाप आपको ना पूछे तो आपके में हीन भावना होगी कि नहीं? अच्छा, नाराजगी हर सरकार से है, ये पूछे कि ज्यादा नाराजगी किससे है, इन 5 सालों से या 2017 से पहले से? लगातार सभी सरकार से है, सबसे ज्यादा नाराजगी किससे है? सभी से है, सभी क्या, मेरी इतनी कोई उम्र अभी कोरोना है भाई, जो आया सबने काम किया, लेकिन नौकरियां तो किसी ने नहीं इसकी थी ना 10 साल में। अच्छा, इनसे पूछिए, क्योंकि क्योंकि अच्छी अच्छी खासी इन्होंने पूरे एटा को देखा होगा कई सालों से, तो एटा में क्या इन्होंने विकास जरा भी नहीं देखा इन 5 सालों में या उससे पहले?
आपने लगातार मत का प्रयोग किया, अब तक एटा में आपने कितना डेवलपमेंट देखा, कितना बदलाव देखा? एटा में बदलाव क्या है, एटा में कुछ नहीं, एटा में तो साल दो साल चार पांच साल से तो सड़कें खुल रही हैं, काम तो शुरू हो जाता है लेकिन होता जल्दी नहीं है। तो विकास का दावा है तो वो कैसा दावा है? स्लो है। तो फिर भाई काम करना है आपने, वो तो आप दो दिन में दो देते हो, दो साल तक हो जाते तो बनाते नहीं हो आप सड़कें। आप बताइए कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों की वजह से तो हो रहे हैं। एटा में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ निकल जाए वही सड़क खुली पड़ी, आप बताइए। चलिए और भी और भी और भी महिलाएं हैं आसिफ, उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी शायद कुछ कहना चाह रही हैं और ये मौका है उनके पास अपनी बात रखने का। वाकई एटा में आसिफ देखिए जितना जितना हमने सुना उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि महिलाएं वाकई नाराज हैं और वो जागरूक हो चुकी हैं। वो सिर्फ अब गृहिणी नहीं रही है कि घर में सिर्फ रोटी बनाई और हो गया, अब वो समझ चुकी हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, योजनाओं का लाभ उन्हें कैसे लेना है, कौन कौन सी योजनाएं उनके लिए हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन सी सरकार स्कूटी दे रही है, कौन सी सरकार लैपटॉप दे रही है, कौन फ्री में बिजली दे रहा है, कौन राशन दे रहा है, सब पता है उन्हें। तो अब इतनी आसानी से आप बरगला नहीं सकते महिलाओं को। जी वोटर जुड़े हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। किस मुद्दे पे आज मत का प्रयोग किया? विकास के ऊपर और राष्ट्रवाद के ऊपर, देशभक्ति के। और कुछ तैयारी? तैयारी तो हम हमेशा काम कर रहे हैं। हमारे एटा का विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना है, हाईवे बना है, जहाँ घंटों लगते थे सिकंदर राव यहाँ 30 किलोमीटर जाने में एक घंटा लगता था। ये कह रहे हैं कि हाईवे बना है, महिलाएं कह रही हैं कि सड़कें खुद रही हैं, ये कौन से हाईवे से आए हैं? फिर अभी हमारे साथ एक सहयोगी जुड़े थे, उनका कहना ये था कि सड़कें खुद रही हैं तो फिर कौन से वो हाईवे तैयार? सड़कें खुद हैं तभी तो सही बनेंगे सड़कें। बताया गया कि 3-3 साल से खुदी हुई है, कोई विकास नहीं रहा। नहीं ऐसी बात नहीं है, विकास हुआ, बहुत विकास हुआ है और जिसकी कल्पना नहीं थी उससे भी ज्यादा विकास हुआ। कल्पना से ज्यादा विकास हुआ है, महिलाएं कह रही हैं कि विकास नहीं हुआ है, बच्चे जो लड़के हैं जो मंचले हैं वो आवारा घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। बहुत काम अच्छा किया जितना भी तारीफ, जो जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं मिली महिलाओं को, कहीं ना कहीं आरोप है सरकार से नाराजगी है इसको लेकर कि नौकरियां अभी तक उनको उपलब्धि नहीं कराएगी। नौकरियां उनकी योग्यता के अनुसार सबको मिल रही हैं, जैसी जैसी योग्यता, हर एक को सरकारी नौकरी तो अवेलेबल नहीं हो सकती, रोजगार के बहुत से साधन है उनमें, आदमी प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, अच्छे अच्छे जॉब मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी सैलरी है। अच्छा इनसे पूछिए, इनसे पूछिए, इनके बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जरा इनसे पूछिए। अच्छा आपके घर में कितने बच्चे? हमारे 2 बच्चे हैं जी। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ तैयारी सरकार की? तो तैयारी स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत अच्छी रही है और रोजगार की। आपके बच्चों को रोजगार को लेके? हाँ हमारे बच्चे रोजगार एक तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की और एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है उनको। चलिए ठीक है, तभी ये संतुष्ट हैं, तभी कह रहे हैं कि बहुत कल्पना से भी परे विकास यहाँ हुआ है, महिलाएं शायद उस विकास को नहीं देख पा रही, हो सकता है। चलिए आसिफ आपका मैं रुक करूंगी, दीपेश भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं हाथरस से। दीपेश एटा में महिलाएं बिल्कुल खुश नहीं है, हाथरस में महिलाएं कितनी खुश है, महिलाओं को विकास दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जी काजल में अगर हाथरस की बात करूं तो हाथरस में बहुत महिलाएं खुश हैं क्योंकि लगातार हमारी महिलाओं से बात होती है तो महिलाओं का कहना है कि पुलिस प्रशासन और जो सरकार चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर वो एकदम बिल्कुल साफ है और महिला बहुत सुरक्षित फील करती है हाथरस। बिल्कुल दीपेश, इसके अलावा और क्या मुद्दे हो सकते हैं हाथरस में, क्योंकि हाथरस का जब जब नाम आते सिर्फ एक ही हाथरस कांडी याद करते हैं सब, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ लोगों को मिलनी चाहिए, जो सड़कें वहाँ पहुँचनी चाहिए, जो विकास वहाँ पहुँचना चाहिए, जो स्कूल वहाँ खुलने चाहिए, जो वहाँ कॉलेज खुलने चाहिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, उन पर कोई बात नहीं करता है। जी काजल मैं बता दूं, कॉलेज और उसकी बात है तो लगातार 2 कॉलेजों का काम चल रहा है, एक मेडिकल कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। और अगर सड़कों की बात करें हाथरस में तो सड़कें एक तरफ से बिल्कुल कहीं भी, जो सिकंदराबाद विधानसभा है वहां ज्यादा सड़कें टूटी हुई है, अगर हाथरस और फरीदाबाद की बात करें तो वहां सड़कों की ऐसी कोई भी खमियां नहीं देखी जाती। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है हाथरस की, ये मुद्दे नहीं है यहाँ पर आज?
जी कोई भी मुद्दा ऐसा अभी तक सामने नहीं आया, केवल अगर मुद्दा कोई आया है तो केवल जल भराव और सड़कों से संबंधित ही सामने आया, क्योंकि एक दो जगह केवल सुबह के 11 बजे तक 5 लोगों ने ही वोट डाला था, उन्होंने चलिए आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हमीरपुर का मैं रुक करूंगी, अब्दुल सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अब्दुल आवाज आ रही है क्या मेरी? अब्दुल अनम्यूट कर लीजिए, अब आ रही है मेरी आवाज अब्दुल? जी ठीक है, आपकी आवाज भी आ रही है। अब्दुल ये बताइए सबसे पहले कि फिलहाल तस्वीर कैसी है? जी मैं अगर आज तस्वीर की बात करूं तो अभी 10 बजे तक काफी मतदाता यहां पे आए हैं, वोट डाला है, लेकिन अब जो 1 बजे के बाद से कुछ मतदाता थम गया है, लेकिन अब फिर देखने को मिल रही है लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट डालने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि मौसम को देख के धूप थोड़ी तेज थी इस वजह से घर में लोग रुके हुए थे, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ तो लोगों ने आना जाना यहाँ शुरू कर दिया है और अपने मत का अधिकार यहाँ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है, कैसी तस्वीर हमीरपुर से सामने आ रही है मतदान प्रतिशत की? जी अभी अगर 1 बजे तक की बात करें तो 1 बजे तक की 35% मतदान यहाँ हो चुका था, और अभी तक अभी 3 बजे वाला अपडेट अभी आया नहीं है, तो उसके लिए अपडेट आने वाला है, मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो अब्दुल हमीरपुर में भी अच्छी खासी वोटिंग परसेंट जो है हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हमीरपुर के कुछ गांव ऐसे थे जहां पर वोट का बहिष्कार की तस्वीरें हमने देखी थी, क्या अब लोग मान गए हैं वोट डाल रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि राठ विधानसभा 229 की ये घटना है, यहां पे जिगनी गांव पड़ता है, वहां पे ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया हुआ है, वही उनका ये नारा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन अगर बात की जाए तो हर बार चुनावों में यही मुद्दे निकल कर आते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो क्या कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विकास की जो हमीरपुर की जो गति है वो कहीं ना कहीं थम जाती है, क्योंकि जनता जनता के प्रतिनिधि जो यहाँ से है वो वोट तो ले लेते हैं लेकिन जनता का विकास नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हर बार यही मुद्दे निकल कर आते हैं कि वो जनता उनको पसंद नहीं करती और उनका बहिष्कार कर देती है। जी बिल्कुल अब्दुल, और ये भी देखा जाए कि हमीरपुर में बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े चेहरे यहाँ पहुंचे हैं और बढ़ चढ़कर दावे और वादे किए हैं, उन दावों और वादों का असर आम जनता पर कितना पड़ रहा है, क्योंकि आप सुबह से बने हुए हैं फील्ड में, ग्राउंड जीरो पर हैं, तो आपने जानने की कोशिश की होगी आम जनता कितनी खुश है, क्या यहाँ पर फ्री बिजली चाहिए या विकास चाहिए जिसका नारा लगातार भाजपा देती है? जी मैं बता दूं कि मैंने ग्राउंड जीरो पे बात की थी तो यहाँ के जो जनता का जो मुद्दा है वो विकास का है, रोजगार का है और किसानों के लिए सिंचाई का मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है यहाँ सर, यहाँ पे जनता का जो सबसे बड़ा मुद्दा यही पे है कि हमारा विकास होना चाहिए, हमारी सड़कें अच्छी होना चाहिए, जबकि जो योगी सरकार थी उसका ये कहना था कि हम जैसे ही सरकार बनाएंगे और सरकार बनाते ही गड्ढा मुक्त हम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 5 साल पूरे हो गए और आज भी गड्ढा मुक्त सरकारें नहीं हो पाई, तो आज इसका नतीजा ये है कि आज जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे वोटों का बहिष्कार किया जा रहा है। जी ठीक है, झांसी से भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं रुपेश, झांसी से मैं रुपेश का रुख करूंगी, रुपेश झांसी में कैसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बुंदेलखंड इलाका और यहाँ पर कहा जा रहा है कि विकास बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, बहुत दूर से भी देखेंगे तो भी दिखाई नहीं देता। रुपेश की आवाज आ रही है मेरी झांसी से? रुपेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आवाज आ रही है। ये बताइए कि झांसी क्योंकि बुंदेलखंड का इलाका है और ये कहा जाता है कि बुंदेलखंड में विकास अब तक नहीं पहुंचा, आप दूर से देखेंगे तो भी नहीं दिखाई देगा। जी देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ललितपुर की जो स्थिति साफ हो रही है तो धीरे धीरे सब कुछ जो है साफ हो जाएगा, जिस प्रकार से जो है ललितपुर की तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि जो है ललितपुर में किस तरीके से आमजन यहाँ पे मतदान कर रहा है, सुबह से ही यहाँ पर जो है लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी और कुछ कुछ जगह पे इस तरह की भी खबरें आई कि जो है यहाँ पे ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं,
अभी हाल ही में तुरंत जो है फोन आया कि जो है तेरही फाटक एक गांव पड़ता है, वहां पर जो विद्यालय में जो पोलिंग बूथ बनाया गया है तो वहां की जो मशीन है रुक रुक कर चल रही है। अगर 5 मिनट अगर वो चल रही है तो 20 मिनट बीच में रुक रही है। यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं, एजेंटों ने कई रुपेश ललितपुर से ये भी तस्वीरें सामने आई थी कि 12 बजे तक यहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़ा था। क्या वजह ये थी कि जो ईवीएम मशीन है वो खराब हो रही थी या जनता कुछ और ही चाह रही थी, वोट का बहिष्कार हो रहा था? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो मशीनें खराब होने की बात हो आ रही थी वो तो अलग ही है, उसके बाद भी कुछ गांव ऐसे थे जिन गांवों ने जो है बहिष्कार किया हुआ था मतदान का, लेकिन जो है मान मनोवल करने के बाद कहीं जो है वहां पर एसडीएम जाते हैं, कहीं वहां पे प्रशासन का हमला जाता है, उसके बाद कहीं जाकर जो है ग्रामीण माने और उन्होंने वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो जनपद ललितपुर की 227 महरौनी विधानसभा जो पड़ती है वहां पर एक गांव है जो जिस गांव का नाम है लखंजर। लखंजर के जो है कुछ मोहल्ले हैं जैसे फापड़ा है, हीरापुर है, उसके अलावा एक दो और ऐसे मोहल्ले पड़ते हैं वहां पर जो पोलिंग बूथ बनाया गया है, तो उसकी जो अपडेट है मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है एक भी वोट वहां पर नहीं पड़ा है। क्या वजह हो सकती है रुपेश, क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं मतदाता बाहर निकल रहे हैं, क्यों वोट नहीं डाल रहे, इतनी नाराजगी सरकार से? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वहां पे के जो ग्रामीण हैं, गांव वाले हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिस प्रकार से जो है योगी आदित्यनाथ ने जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहां पर ललितपुर में आके कई बार ऐसी जो है जनसभाएं की थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम यहाँ पर ललितपुर में जो बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा इलाका है, बुंदेल ललितपुर के जिले के आखिरी छोर तक कर जाके वहां पर विकास कराएंगे, लेकिन विकास दिखाई नहीं दिया एरिया जी, वहां पे विकास तो नहीं जो है दिखाई दिया, जिसके चलते वहां के जो ग्रामीण है काफी नाराज है। उनका साफ तौर पर कहना था कि 5 साल हो गए हैं ना तो वहां पे मंत्री दिखाई दिए और ना ही वहां पे विधायक दिखाई दिए, वहां का जो रोड है काफी जो है पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, तो वहां पे ना तो रोड है ना ही अस्पताल है ना ही शिक्षा, सभी से वो लोग बहुत दूर है और वंचित है, जिसके चलते वहां पे जो ग्रामीण है उन्होंने जो है आज मतदान का बहिष्कार किया हुआ था। और तो क्या अब तक कोई भी इन गांव में से कोई भी व्यक्ति नहीं निकला है मतदान करने के लिए, जो युवा है क्या वो भी नहीं निकल रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि जैसे जिस प्रकार से लगभग 4 बजने वाले हैं और वहां का जो पोलिंग बूथ बनाया गया है तो वहां तक अभी तक एक भी मत का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वहां के जो अधिकारी है या जो है जिला प्रशासन है या जो जो सुरक्षा में लगे जितने भी जो है अधिकारी या कर्मचारी है सभी लोगों ने ग्रामीणों को कई बार समझाया है, बुझाया है कि आप जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, बाकी की जो व्यवस्था है वो सुचारू कर दी जाएंगी, लेकिन ग्रामीण मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए ठीक है रुपेश, आपका मैं रुक करूंगी, अब्दुल भी मेरे साथ बने उनका भी मैं रुक करूंगी, आसिफ का भी रुक करूंगी। सीबी से एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, वो जरा दर्शकों को बता दूं, ललितपुर के मेहरौनी में चुनाव का बहिष्कार, जैसा कि मेरे सहयोगी अभी बता भी रहे थे, मूलभूत सुविधाएं ना होने का आरोप लगाया है, गंभीर आरोप यहाँ पर गाँव वाले लगा रहे हैं। वनांचल के लोगों में काफी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। ललितपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं, ललितपुर के मेहरौनी में चुनाव बहिष्कार किया गया, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ग्रामीण, वनांचल के लोगों में काफी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ललितपुर से ही मिल रही है, इससे पहले ललितपुर से ही हम चर्चा कर रहे थे, मेरे सहयोगी रुकेश मेरे साथ बने हुए थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंची हैं, जिसका आरोप लगातार ग्रामीण लगा रहे हैं, और ये बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ललितपुर के मेहरौनी में चुनावों का बहिष्कार किया गया है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं पहुंची हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती है पानी ना मिलने की वजह से, तो ऐसे में ये मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार परेशानियां ग्रामीण कई सालों से झेल रहे हैं, लेकिन हर बार सरकार कहती है जो भी सत्ता में आती है कि हम यहाँ पर विकास करेंगे, हम यहाँ पर विकास की गंगा बहा देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है हर एक व्यक्ति तक पहुंचना और हर एक गांव तक विकास का पहुंचना। रुपेश का मैं रुक करूंगी क्योंकि रुपेश लगातार ललितपुर से मेरे साथ बने हुए हैं। रुपेश, मेहरौनी विधानसभा और यहाँ के कई गांव ऐसे
जो पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे गांव तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है, ना तो सड़कें हैं, ना बिजली मिलती है, ना सिंचाई के लिए पानी मिलता है, ना पीने के लिए पानी मिलता है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती बेहतर, ना स्वास्थ्य बेहतर, ना कनेक्टिविटी बेहतर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि जो है जिस प्रकार से वहां पे ग्रामीणों के जो बयान निकल कर सामने आए, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप एक एक करके उनसे भी पूछिएगा रुपेश अपना जवाब खत्म करने के बाद। जी जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो है हमारी लोगों से जब बात होती है तो ग्रामीणों की जो है साफ तौर पर बात निकल के जो है उनका जो है साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से वहां पर जो ग्रामीण है ना तो उनको जो है बिजली है, ना सड़क है, ना अस्पताल है, ना ही शिक्षा है, यहाँ तक कि वहां पे जो भी कनेक्टिविटी है चाहे वो जो है मोबाइल टावर्स की बात हो या फिर जो है किस तरीके से आखिर जो है योगी और मोदी वहां पे ये जो बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो आखिर वहां जो ग्रामीण अंचल है तो आखिर वहां तक बात क्यों नहीं पहुंचती है कनेक्टिविटी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक और है जो वहां के जो अभी प्रेजेंट में जो श्रम सेवा योजन राज्य मंत्री है उनका वो जो है क्षेत्र पड़ता है महरौनी विधानसभा 227 जो कि अभी वर्तमान में वहां के कार्यकाल वो मंत्री है श्रम सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत जी का क्षेत्र पड़ता है ये, वहीं के जो ग्रामीण है उन्हीं लोगों ने वहां पर बहिष्कार किया हुआ है। जी बिल्कुल, और आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, उत्सुक नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं ललितपुर में अलग अलग जगहों से, तो उनसे बात करिए और क्या परेशानी है उन्हें, आखिर उन गांव से उनका संपर्क होगा, वो बताएंगे कि हमें उन ग्रामीणों को किस तरह की परेशानी है, आखिर क्यों वो वोट नहीं डालना चाहते हैं, क्यों वो नहीं चाहते कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जी क्या नाम है आपका? रुपेश ठीक है, आप बहस मत करिए, अब जो इक्का दुक्का लोग हैं जो यहाँ पर मतदाता दिख रहा है आप उनसे बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, उनकी ड्यूटी है वो करेंगे, उनकी ड्यूटी है वो ये करेंगे। रुपेश ठीक है, जो आपके आसपास लोग हैं बस उनसे बात कीजिए, भीड़ मत लगाइए। क्या नाम है आपका? अच्छा जयसिंह जी, क्या क्या है आप जो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है लोग बाग ये किस तरीके से यहाँ पे आप बता रहे थे कि अभी जो है ईवीएम मशीन खराब हो रही है, चार बार मशीन खराब भाई, चार बार कहने को उनको कहा गया लेकिन वो फिर नहीं हो रही है ठीक, उसको ठोक पा के उठा पटक से कर देते हैं। अच्छा मतदान प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है? बहुत धीमी चल रही है, कम से कम रात के 11 बज जाएंगे इस तरीके से, तब वोट डल पाएगा इस मशीन की। चलिए ठीक है, हमने समझ लिया रुपेश, हमने समझ लिया क्या परेशानी है इनकी, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि वो लगातार खड़े हुए हैं लेकिन वो अपना वोट नहीं डाल सके क्योंकि वो लंबी लंबी कतारें हैं, तो ऐसे में उनका गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है उनकी ये ड्यूटी है कि वो भीड़ भाड़ इकट्ठा ना होने दे। देखिए महरौनी की लगातार हम बात कर रहे हैं, बड़ी खबर भी हमने दिखाई है महरौनी, मनोहर लाल मन्नू कोरी जो हैं वो भाजपा ने यहाँ प्रत्याशी बनाए हैं, वहीं सपा ने रामविलास को बनाया है, बसपा की मैं बात करूं तो किरण रमेश खटीक यहाँ पर बने हैं और कांग्रेस ने बृजलाल खाबरी को बनाया हुआ है। इन चारों की अगर मैं बात करूँ तो जनता किससे खुश है, क्या लग रहा है? जी देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ महरौनी जो विधानसभा पड़ती है वहां पर जो है समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी या फिर जो है कांग्रेस, सभी जो है जो राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को यहाँ पे उतारा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो कड़ा संघर्ष देखने के लिए आगामी जो है समय में जो है मिलने वाला है, जो कि जो है 10 मार्च ये जो है साबित कर देगा कि आखिर यहाँ पर किन किन पार्टियों के बीच के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में जो है कड़ा मुकाबला है। जी बिल्कुल, और ललितपुर में किस तरह की कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है रुपेश? जी अगर जैसे हम 226 सदर विधानसभा की बात करते हैं तो वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी या जो है समाजवादी पार्टी या जो है बहुजन समाजवादी पार्टी का जो है त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, उसका भी जो है आगामी 10 मार्च को फैसला होने वाला है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो लोधी वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा है, उनको लुभाने की बहुत कोशिश यहाँ की जा रही है। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने तो बलवंत एस लोधी को ही मैदान में उतारा है, ऐसे में क्या लग रहा है उन्हें जनता पसंद कर रही है?
जी देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोध बैंक वोट बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है कुछ दिन पहले अभी उमा भारती जी को भेजा गया था कि लोध वोट बैंक को साधने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो लोगों से जब बात होती है तो उनका जो है साफ तौर पर कहना था कि जो है इस प्रकार से ये जो यहाँ की जो जनता है पढ़ी लिखी है वो सब जानती है कि हमें आखिर किस व्यक्ति को वोट देके विधानसभा भेजना है। तो इस तरीके से उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि इस प्रकार से अगर जैसे हमारे यहाँ नेता आते हैं तो उनके कहने से हम किसी को भी अपना वोट नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है अब्दुल का मैं रुख करूंगी, हमीरपुर से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अब्दुल, पीछे आप कहीं ना कहीं भीड़ दिखाई दे रही है, यानी कि आप धीरे धीरे रोग निकल रहे हैं, और उनसे बात करिए और जानिए कि आखिर हमीरपुर में आम जनता क्या सोच रही है, क्या उन्होंने मन बनाया है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, किस तरह की तस्वीर वो उत्तर प्रदेश की देखना चाहते हैं, क्योंकि उत्तम प्रदेश बनाना है उत्तर प्रदेश को, ये तो हमने बहुत सुन लिया लेकिन उत्तम प्रदेश अब तक बन नहीं पाया है, ऐसी नाराजगी जो है आम जनता में लगातार देखी जा सकती है। जी मैं बता दूं, आज महिला मेरे साथ खड़ी है, उनसे बात करते हैं। आपने वोट किया? मैं वोट करके आई हूं। जी जी, किस मुद्दे को लेकर के आपने आज वोट किया है? मतलब किस मुद्दे को लेकर? महंगाई, विकास, रोजगार, किस मुद्दे? तो बहुत मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूं मैं सब चीजों से, उसी को लेके कि इसको भी वोट डाला है, तो बहुत विश्वास है कि अच्छे दिन है और अच्छे दिन हमें आएंगे और ऐसे ही रहे बस। महंगाई पे क्या कहना है? महंगाई तो देखिए सब इस सबके लिए अलग ही अलग होती है, कोई अपना सेटिस्फाइड होता है, कोई नहीं होता है, कुछ तो अभी इधर बीच कोरोना की वजह से भी काफी वो हुआ है, डावा डूल हुआ है, महंगाई तो बढ़ गई है, काफी बड़ी है, लेकिन वो धीरे धीरे होगी, काफी समय तक धीरे धीरे बनाया जाएगा सिस्टम। अब्दुल, ये युवा है, इनसे लड़कियों की सुरक्षा के बारे में भी जरा पूछ लीजिए। जी 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 जी, मैं ये जानती हूँ लड़कियों की सुरक्षा के बारे में, काफी हद तक बहुत सेटिस्फाइड है, और महिलाओं को तो बहुत अच्छा मिला, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हुई है और हुएंगी, मेरा यही है क्या मानना है। जी ठीक है अब्दुल, इससे हम समझ पा रहे हैं कि जो वहाँ पर युवा, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों, वो हमीरपुर में कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हमीरपुर में इन 5 सालों से आम जनता खुश है, ये हम कह सकते हैं। जी आइए, एक बुजुर्ग हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बाबा वोट डालने जा रहे हैं आप, आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, तो अब आप किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए जा रहे हैं? आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए? आपने कहा ठीक है 85 साल के बाद, नहीं नहीं तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है, आपको सरकारें कितनी आई आपके सामने, तो ये जो सरकार थी कैसी थी आपके? अब हम आप बोली सरकार तो हमारे लिए, हम तो हमेशा मतलब गुलाम रहे, गवर्नमेंट के नौकर रहे, है ना, और जिंदगी कट गई, अब रही चीज ये कि हमने कहा ठीक है फिर डाल लिया। हाँ ठीक है, हमारे साथ एक लोग और हैं। जी 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 पूजा जी, जा सकते हैं अब्दुल, इन 5 सालों से आइए हमारे साथ एक, नहीं ये बताइए आप इन 5 सालों से खुश हैं? जो ये 5 साल थे ये, इसमें आप खुश हैं? जो सरकार मौजूदा सरकार थी उसमें आप खुश थे? हमारे साथ एक महिला जुड़ गई है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं वोट डालने जा रही हैं, जी आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने? हमारे समाज में बहुत सुधार है ना, और सबसे भ्रष्टाचार हो रहा था, डर है लोगों के अंदर, डर अच्छी चीज है, हम लोग खुल के जी सकते हैं। महिलाओं को लेकर के आपका क्या? महिलाएं भी खुल के देखिए बाहर निकल पड़ी, लॉकडाउन से सब बाहर निकल पड़ी, अपने कार में समाज में सब देखो सहयोग करती रहती। जी आइए तो एक लोग और है, उनसे ही बात करते हैं। ठीक है, आप भी वोट डालने के लिए आए हैं? जी मेरा फर्स्ट टाइम ही है। अच्छा आपका फर्स्ट टाइम है, चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप बताएं किस मुद्दे को लेकर के आप वोट डालने के लिए आए?
तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जो अभी तक 5 साल में जो सरकार बनी थी योगी जी की, उन्होंने जो भी किया उससे पिछली सरकार तो हम इस बार बहुत खुश हुई, क्योंकि जो भी पिछली बार जो भी सपा सरकार थी सब कुछ थी सब बातें, लेकिन जो आज हम लोगों को प्राइवेसी मिल रही है, लड़के घूम सकती है, चल सकती है बिना किसी के मतलब सहारे के, ये बहुत अच्छी चीज हुई है। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि योगी जी को इस बार फिर से जिताना चाहिए। धन्यवाद जी। तो बिना बताए उन्होंने बता दिया है योगी जी से खुश है, वो चाहते हैं कि योगी जी 5 साल फिर से राज करें। जी जी। तो महिलाओं से हम लगातार बात कर रहे हैं, महिलाएं कहीं ना कहीं एक बात कह रही हैं, देखिए अब्दुल ये हमें जरूर गौर करना होगा, महिलाएं कह रही हैं कि हम सुरक्षित महसूस करती हैं, हम अपनी जिंदगी अब जी रही हैं, हम बाहर निकलती हैं और कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलाकर समाज के साथ चलती हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जी। और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि ये अचीवमेंट भी है, क्योंकि ऐसा उत्तर प्रदेश में बहुत कमी देखने के लिए मिलता था जी। अब महिलाएं सुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं बदलाव तो है जी। जी अब्दुल, क्या और भी यहाँ पर मतदाता हैं जिनसे बातचीत हो सकती है, या अब धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है? नहीं नहीं, अभी कुछ लोग हैं आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भीड़ मत लगाइएगा, एक एक करके बात करिएगा। अब्दुल सर, आप वोट देने आए हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर के वोट देने? विकास और जो बेरोजगारी है, ये मेन मुद्दा हम लोगों जी। और क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? देश का विकास हो, आदमी जितने हैं जरा शिक्षित हो, जो शिक्षित हैं उनको रोजगार मिले, और ये महंगाई का जो दौर है ये कम हो, ये मुद्दा है। जी, और भी हमारे साथ एक लोग आ रहे हैं, आइए आप वोट डाल आए हैं, आप पहले तो ये उंगली वो डाल लिया आपने, ठीक है, किन मुद्दों को दिमाग में रखकर आपने वोट डाला है? मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या होंगे जो आपके जो वोट डाल के आए, मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को आपने दिमाग में रख करके वोट किया है? ठीक है अब्दुल, मैं आपका रुख करूंगी। आसिफ भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं एटा से। आसिफ, अब्दुल और रुपेश बहुत अच्छी तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो मतदाता हैं किन किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं, मतदाता भी अपनी बात जो है बखूबी रख रहे हैं कैमरे के सामने और बोल रहे हैं कि हम खुश हैं, महिलाएं खासकर। एटा में ऐसी तस्वीर कोई देखने के लिए मिल रही है? धरा ना करो, मतलब वो रुका ना करो, उन्होंने कहा और चलते हैं तुरंत, बढ़ते चलते जब तक ये ना रोके, जब तक नहीं रोके। आसिफ तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, रुपेश का मैं रुक करूंगी, ललितपुर से बने हुए हैं, क्योंकि रुपेश के पास से भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही है। रुपेश, इतनी भीड़ आखिर आपके पास क्यों लग रही है? बाकी और किसी के पास इतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, ललितपुर वासी के ज्यादा कैमरे के सामने बोलने के लिए उत्सुक है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, काफी पिछड़ा हुआ इलाका है जी। यहाँ पे जो है मैडम, कई ऐसे भी जो है क्षेत्र है बना हुआ है, जैसे अभी हम लखनजर की बात कर रहे थे, जहाँ पे जो है लोगों ने बहिष्कार किया हुआ है मतदान का, तो वहां पे जो लोग हैं उनने, अभी हम आपको बता दें कि जब प्रदीप जैन आदित्य यहाँ के सांसद हुआ करते थे, उस समय तक उन लोगों ने यहाँ पे ट्रेन नहीं देखी थी, रेल नहीं देखी थी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं कितने मासूम हैं, कितने जो है ग्रामीण, कितना जो है पिछड़ा हुआ इलाका है। बिल्कुल। तो और रुपेश, आपके पीछे मैं युवाओं को देख सकती हूँ, तो युवाओं से आप बात करके बताइए कि अगर वो वोट डाल चुके हैं तो क्या क्या मुद्दे दिमाग में रहे, और डालने वाले हैं तो क्या क्या मुद्दे दिमाग में हैं? क्या नाम है आपका? शिशुपाल। क्या नाम है? शिशुपाल। अच्छा शिशुपाल जी, आपने वोट डाल दिया? आपने डाल दिया। हाँ, कौन कौन से मुद्दे रखे थे आपने, क्या सोच के डाला वोट के, आपके गांव का किस तरह से विकास होना चाहिए, क्या क्या लग रहा था आपके सामने? भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा तो बेरोजगार युवा घूम रहा है, और किसानों की हालत बहुत बद से बदतर हो गई है। आपने देखा ही होगा कि जब
मान लो खाद बीज की कितनी परेशानी हुई किसान के लिए, हर समस्या का कोई भी समाधान भाजपा सरकार नहीं कर पाई, इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका भाई? हमारा नाम धनुष है। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं किन किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है, तो जो सरकार है वर्तमान में इसका हमें कोई भी मुद्दा या कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी, केवल ये धर्म के नाम पर वोट चाहते हैं। केवल धर्म के नाम पर तो दे नहीं देंगे भैया, क्योंकि केवल धर्म जो है हमारे घर खाने को तो दे नहीं जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बच्चों को शिक्षाएं चाहिए और मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जैसे बिजली है, सड़क है, अस्पताल है। किसी भी मुद्दे पर ये किसी मतलब किसी तरीके से पास नहीं है। और जैसा कि देखेंगे आवारा पशुओं का इनके समय में एकदम से अंबार आ गया है, जिस प्रकार से समझें कि मतलब आवारा पशुओं का जो कहने को तो गौशाला है सब है, लेकिन वहां पे पशु भी मर रहे हैं मुंह को, और जितने छूटे हुए हैं वो सभी किसानों को मार रहे हैं। ये केवल 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जबकि एक एक किसान के मतलब खेत में अगर एक दिन के लिए अगर पशु घुस जाते हैं आवारा, तो वो जितना ये गांव भर को नहीं खिलाते होंगे उतना एक दिन में खा जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हम गांव में विकास करेंगे, जो है सड़कें जो है गड्ढा मुक्त करेंगे, तो क्या लग रहा है आपको? या जो किसान बीमा की बात कर रहे थे, दुर्घटना बीमा, भाई साहब जो आपने किसान बीमा की बात कही, बहुत अच्छी बात पूछी हमसे, उसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूं कि पिछली 3 सालों से तीन सालों से यहाँ पे कोई भी किसान बीमा नहीं मिला है। हम लोगों के खाते से 2% राशि काट ली जाती है, यानी प्रत्येक किसान के खाते से दो हजार से लगा करके 5-10 हजार रुपए काट लिया जाता है, और उसका लगभग 90% सरकार देती है, यानी कि लगभग हर किसान के हिस्से का 50 हजार से लगा करके 80 हजार रुपया सरकार से ये लोग लेते हैं। ये बीमा राशि वालों को जाता है, फिर बीमा राशि वाले या पता नहीं किसकी मिली भगत से या कौन खा जाता है, लेकिन किसानों को कोई बीमा नहीं मिला है लगातार 3 सालों से, यहाँ पे नुकसान हो रहा है। पिछली बार जब योगी जी रुपेश बहुत नाराज हैं, ये आखिर क्या वजह है? इन 5 सालों से नाराज भी है, उससे पहले सब कुछ ठीक था? अच्छा, क्या लग रहा है आप जिस प्रकार से जो है काफी नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से, तो क्या लग रहा था 2017 के पहले जिस प्रकार से अखिलेश यादव की सरकार थी, तो आपको क्या लग रहा था कि जो है उस समय तो आप सब ठीक था? जो पहले आपने पूछा कि किसान बीमा के बारे में हम बात कर रहे थे आपसे, नहीं किसान बीमा खत्म, अब तो आप ये बताइए कि जो है जिस प्रकार से आप इस सरकार से अभी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, तो क्या 2017 से पहले सब कुछ ठीक ठाक था? सरकारों से मतलब नहीं है हमें, कामों से मतलब है। जनता को क्या चाहिए? काम चाहिए। हमें किसी पार्टी विशेष से किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये मतलब है कि जो जनता है, सामान्य जनता खुश रहे, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं मिलती रहे, उन्हें खाने पीने की शिक्षा और अन्य स्वास्थ्य की मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं जो है वो सही तरीके से सुलभ होती रहे, इस चीज के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जैसा कि बेरोजगारी का मुद्दा है, आप हमें फ्री में कुछ मत दीजिए, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, आप रोजगार दीजिए जिससे हम सभी लोग कमा करके खुद से खाएंगे, दूसरे की हमें दान में कुछ नहीं लेना है, फ्री में हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें रोजगार दीजिए, हम कमा करके शान से खाएंगे, आपके मतलब भीख जैसे मांग करके हम लोगों को खाना अपने आप में खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि फ्री ये देंगे फ्री वो देंगे। हाँ, केवल बिजली फ्री की जो बात हुई है, कोई भी सरकार अगर बिजली फ्री देते हैं तो किसान के लिए बहुत अच्छी बात है, इसके लिए कोई भी सरकार अगर बिजली फ्री देगी तो उसका हम लोग धन्यवाद करेंगे, लेकिन और कोई चीज फ्री में अनाज देंगे? फ्री में अनाज नहीं चाहिए, हम लोग खुद अखिलेश जी ने भी जो पिछले समय में राशन फ्री में दिया था, वो उस टाइम पर दिया था जिस टाइम पर मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से फसल बिल्कुल हुई नहीं थी, अकाल पड़ा था, अति मतलब सूखाग्रस्त जो हुआ था उस वजह से उन्होंने दिया था। जिस टाइम पे हमारे खेत में अगर उपज ना हो उस टाइम पे अगर आप हमारी सहायता करें तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन जिस टाइम पे हमारे खेत में थोड़ा बहुत हो रहा है उसका आप हमें उतना रेट दीजिए जिससे हम और अपनी केवल अनाज तो खा नहीं लेंगे, उसके साथ अन्य सारी जो वस्तुओं की जरूरत है उसके लिए आप हमारी फसल का उचित मूल्य देंगे, तो उससे हम अपने सारे खर्चे चलाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपना स्वास्थ्य देखेंगे और अपनी मूलभूत सुविधाएं पूरी करेंगे। लेकिन जो ये कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, एक किलो चना दे रहे हैं, 1 किलो तेल दे रहे हैं, 1 किलो नमक दे रहे हैं, 1 किलो नमक भाई सब किसी के लिए नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा तो हम जानवरों को खिला देते हैं, जितना वो दे रहे हैं उससे अधिक हम लोग अपने जानवरों को खिला देते हैं। हमें चाहिए अपनी फसल का उपयुक्त मूल्य, हमारे बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए रोजगार, जो मुख्य सुविधाएं हैं वो चाहिए, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों पर हम लोग वोट कर रहे हैं। और जैसा कि जो वर्तमान में सरकार है, ये कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसी के लिए भी उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। आपके हिसाब से सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने विकास के मामले में जो कार्य किया है उनसे अच्छा हमें किसी भी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन के मामले की अगर बात करें तो माननीय जो सुश्री बहन जी मायावती जी थी, उन्होंने मतलब एक अच्छा कार्य किया था, किसमें? प्रशासन की व्यवस्था में उनका थोड़ा सा व्यवस्था हमें मतलब अच्छी लगी थी, उसके बाद प्रशासन अखिलेश यादव जी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं छूट रह गई थी। योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया है, इनका कहने का मतलब ये है, बातों को बहुत ज्यादा घुमा फिरा रहे हैं, सीधे नहीं कह रहे हैं।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वो अपनी बात रख रहे थे उस बात में उन्होंने जो है साफ जो है स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि जो है जिस प्रकार से उनका कहना था कि जो है जिस प्रकार से जो किसानों के हित में जो ये सरकार काम नहीं कर रही है, या जो है चाहे मूलभूत जो सुविधाएं हैं, चाहे सड़क हो, अस्पताल हो, या जो है जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे इन लोगों को वंचित रखा गया है। शायद इसी वजह से ये लोग जो है नाराज। पानी की टंकी पीछे दिखाई दे रही है, इसमें पानी आता है या सिर्फ नाम के लिए दिखाने के लिए है? पानी की समस्या। अच्छा, अभी जो पानी की टंकी आपको पीछे दिखाई दे रही है, क्या इसमें पानी आता है अभी की नहीं आता है? इसमें जब बिजली नहीं आएगी भैया जी, तो ये टंकी भरी किस चीज से जाएगी? हम लोग बाल्टी ले जा करके या कर्मचारी लोग बाल्टी ले जा करके तो भर नहीं देंगे। तो यहाँ पे 15 दिन से बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर तालबेट का खराब पड़ा हुआ है। अमित शाह भी कहते हैं कि हमने तो 24 घंटे बिजली दी है, 22 घंटे बिजली दी है ग्रामीण इलाकों में। जिस प्रकार से योगी जी आते हैं या जो है अमित शाह जी आते हैं, वो कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हम 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं? यहाँ पर लगभग जितने किसान लोग उपस्थित हैं या फिर मैं भी यहाँ पर हूँ, तो मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर 15 दिन से 2 या 3 घंटे बिजली केवल आ रही है। प्रत्येक व्यक्ति का मोबाइल लगभग स्विच ऑफ पड़ा हुआ है। ये कंडीशन है। जो टंकी की आप पूछ रहे थे भाई साहब, इस टंकी में 15 दिन से पानी नहीं भरा गया है, क्योंकि जब बिजली नहीं आ रही है, या नहीं? टंकी चालू है लेकिन बिजली नहीं आती तो पानी नहीं भरा जाता है। अब्दुल और आसिफ, यहाँ मैं रोकूंगी। कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है, लोकतंत्र का महापर्व। ऐसे में जो बयान सामने आ रहे हैं, जरा वो भी दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। और या कानपुर में जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो होता है कि पूरी सुरक्षा कर्मी और है तत्काल जो होता है नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है के अनुसार यदि 12 है कोई एक आईडी है, उस आईडी के अनुसार अपना पहचान दिखा करके जो होता है मत दे सकता है। पर्याप्त संख्या में सिविल पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री की फोर्सेज जनपद में तैनात हैं। काफ़ी संख्या में क्लस्टर्स मोबाइल्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स मोबाइल, प्योरिटी मोबाइल, थाना मोबाइल, एसडीएम सीओ मोबाइल, एडिशनल एसपी एडीएम मोबाइल, इसके अतिरिक्त एडिशनल सुपर जोनल मोबाइल्स, हर 5 मिनट के अंदर में हमारी टुकड़ियां किसी न किसी मतदान केंद्र का भ्रमण करती रहेंगी, और किसी ने भी गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की तो सख्ती के साथ निपटा जाएगा। कानून अपना काम करेगा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं जाएगी। देखिए, आज जनपद मैनपुरी के 1269 मतदान केंद्रों पर 1756 मतदेय स्थल हैं। सभी जगह 4 विधानसभाओं में प्रातः 7 बजे से सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रारंभ हो गया है। इस समय जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर, सभी मतदेय स्थलों पर सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रारंभ हो गया है। सब जगह उसी प्रकार से मतदान चल रहा है। हम लोग इस समय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज मैनपुरी के मतदान केंद्र पर इस समय मौजूद हैं। ये मॉडल मतदान केंद्र के रूप में हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। मेरा नाम पूनम सिंह है और हमने मतदान किया, अभी किया है जी। और मेरा दूसरी बार मतदान है। क्या कहेंगे आज? लोगों से क्या अपील करेंगी? लोगों से यही करेंगे कि जो नहीं वोट डालना चाहते वो भी वोट डालें, और लोगों से और भी कहें जो अपने आसपास हैं उन सबसे कहें कि वोट डालें जाके।
पुलिस की कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली कुछ दिनों से लापता थी, अब पीजीआई के नाले में उसकी लाश मिली है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही, क्या ये बताएगी? और साथ ही साथ में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, ये कह रहे थे कि अगर बंगला बड़ा होगा, घर गाड़ी होगी, कोई अपहरण कर लेगा। आप बताइए, अपहरण हुआ आगरा से एक व्यापारी के बेटे का, दो दिन वो फरौती नहीं दे पाया, 25 लाख की मांग थी, क्या उनके बेटे की हत्या हो गई कि नहीं हत्या हो गई? मैं ये दो उदाहरण देता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजीआई नाले में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी सजा दे पाएंगे जिसकी वजह से जान गई है? अगर कोई आंख बंद कर ले, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुख्यमंत्री जी 5 साल रहे बाबा मुख्यमंत्री, आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी, डॉक्टर और स्टाफ को जो सुविधाएं पीजीआई की हैं? जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेसवे नहीं जोड़ पाए, जिम्मेदार कौन है? और जो विकास हुआ है सफाई का, वो एक दिन का नहीं है, कितना लंबा समय हुआ, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा नहीं है। लगातार आप सुन रहे हैं, जो मतदाता वहां पहुंच रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे इलाके का विकास हो, ताकि उत्तर प्रदेश भी आगे विकास कर सके। तो ऐसे में कानपुर से हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं, और कानपुर ये ऐसी जगह है जिससे विकास का नाता बहुत पुराना रहा है, 2020 में आपने सुना था और पूरे देश ने देखा था। तो ऐसे में कानपुर के कैसे हालात हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विकास अपना फ्रेम रोटेट करिए, ठीक है? आप ठीक है विकास, ये बताइए कानपुर में कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है और अब 4 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, महज 2 घंटे, कैसी तस्वीर? न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की चुनावी कवरेज बरकरार है और अब महज मतदान खत्म होने में 2 घंटे का वक्त बचा है। ऐसे में ये 2 घंटे काफी ज्यादा संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और मतदान कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जो चुनावी कवरेज है वो लगातार जारी है। Family bound by a common bond. We lead. We in a ways. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज़ फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट 9 में हम बात करेंगे उस